चतुर मोची। ये कहानी है एक गुर्बत ज़दा मोची की जो एक छोटे से गांव में रहता था अपनी बीवी के साथ। उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था। जल्दी ही उसके पास अनाज खरीदने को भी कोई पैसा नहीं रहा। तो एक दिन उसने फैसला किया और उसने अपनी बीवी से कहा, अब मुझे और ज्यादा यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे अपनी किस्मत बड़े शहर में आजमानी चाहिए। शायद मुझे वहाँ पर कोई अच्छा काम मिल सके। मोची उस बड़े शहर में पहुँचा। वो गली गली घूमता हाँक लगाते हुए, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो, चमचमाते नए ले डालो, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। पहले दिन तो मोची को कोई काम नहीं मिला। अगले दिन फिर वो बड़े शहर की सड़कों पर घूमा हाँक लगाते हुए, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। एक खातून ने उसे बुलाया, जनाब मोची, मेहरबानी करके इन जूतों की मरम्मत कर दीजिए। बेशक मोहतरमा। मोची घर के दरवाजे पर बैठा और उसने वो जूते सील दिए। ये लीजिए मोहतरमा, आपके जूते तैयार हैं। कितना हुआ? एक तांबे का सिक्का। तो ये लो। उसने पैसा लिया और चला गया। जैसे ही वो अगली गली में दाखिल हुआ, एक और खातून ने उसे पुकारा और उससे कुछ जूते मरम्मत करने को कहा। यहाँ कुछ जोड़ी जूते हैं, इनकी मरम्मत कर दो। मोची ने जूतों की मरम्मत की, पैसा लिया और चला गया। आज मैंने काफी पैसा कमा लिया है। अगर ऐसे ही मैं कमाता रहा तो जल्दी ही मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं गधा खरीद लूंगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ दिनों के बाद उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए थे। उनमें से 2 से उसने गधा खरीदा और घर वापस आने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा जहाँ उसने चोरों का एक गिरोह देखा। या खुदा, मुझे बचा लो, ये चोर मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक मर्तबा फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत दानिशमंद था। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक मंसूबा बनाया। उसने एक सोने का सिक्का गधे के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ भी नहीं है, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। जैसे ही उसने ये सुना, गधा रेंग का और उसके गले से वो सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। सचमुच? फिर तुम्हें ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला? हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? रुको रुको, ठीक है मैं आपको बता दूंगा। ये गधा सोना पैदा करता है, इसी तरह से मुझे सारा पैसा मिलता है। ठीक है, हमें ये गधा बेच दो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हम इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर इसे तवज्जो देना कि बारी बारी अपने में से हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम पैसे के लिए लड़ते रह जाओगे। मोची ने गधा बेच दिया और घर वापस आ गया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले थे। उस पैसे से उसने एक पोल्ट्री फार्म खरीदा। इस बीच चोर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे गधे को लेकर। वहां चोरों के सरदार ने उन सब से कहा, इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस गधे को सबसे पहले मैं रखूंगा। चोरों ने अपने सरदार का हुक्म माना और उस रात सरदार अस्तबल में गधे के साथ सोया। वो नींद खुलते ही वो सारा पैसा ले लेना चाहता था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वहाँ अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरे अस्तबल का मुआयना किया पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे इल्म हो गया कि उस मोची ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इस दौरान एक और चोर वहाँ आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें बताइए कि कितने सोने के सिक्के गधे ने पैदा किए। तुम्हें खुद इस बात का पता लग जाएगा जब आज रात तुम इस गधे को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इस बात का यकीन कर लेना चाहते थे कि उसने कोई गलती नहीं की।
एक एक करके सभी चोरों ने गधे को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। सरदार ने एक महफिल बुलाई। उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया, हम उसे एक सबक सिखाएंगे। उसने हमें ये मामूली गधा 50 सोने की मोहरों में बेच दिया। हम अपना पैसा उससे वापस लेंगे और हमसे दगा करने की जुर्रत में सजा देंगे। हाँ चलो चलें। वो मोची के घर की तरफ निकल पड़े। वो फार्म में काम कर रहा था। उसने चोरों को आते देखा। वो फौरन अपने घर के अंदर गया और अपनी बीवी से कहा, गौर से सुनो, जब वो चोर यहाँ आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे तो उन्हें बताना कि मैं फार्म में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कुत्ते माइलो को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ये कहकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद चोर वहाँ आ पहुँचे। वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो फार्म पर गए हैं। मैं कुत्ते को भेजना चाहूंगी उन्हें बुलाने के लिए। माइलो, जाओ और अपने मालिक को बुला कर लाओ। उनसे कहो कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। ये सब क्या है? क्या माइलो यकीनन तुम्हारे शौहर को यहाँ ले आएगा? जरूर, वो हर बात समझता है। जब भी वो फार्म पर होते हैं और मुझे उनसे कोई बात करनी होती है तो मैं बस माइलो को उनके पास भेज देती हूँ और माइलो मेरा पैगाम दे देता है। जब चोर मोची की बीवी से बात कर रहे थे, मोची आ पहुँचा। ओह, तो ये आप हैं। माइलो ने बताया कि आप मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमें गधे से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें दगा दिया, हमसे झूठ बोला। देखो, मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब उस गधे की वजह से ही है। ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं, पर तुम्हें ये कुत्ता भी हमें बेचना होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। हम इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची राजी हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने माइलो को लिया और चले गए। जब वो गार में पहुंचे, सरदार ने ऐलान किया कि वो पहला होगा जो कुत्ते को अपने पास रखेगा। दूसरों ने उसका हुक्म तस्लीम किया और चले गए। सरदार ने अपनी बेटी कैमिला को बुलाया। सुनो कैमिला, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई मुझे पूछने आए तो माइलो को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जो आपका हुक्म अब्बा। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आया और उसने सरदार की बेटी से कहा कि वो अपने अब्बा को बुलाए। मेहरबानी करके रुकिए, मैं फौरन उन्हें तलब करूंगी। माइलो, जाओ अब्बा से कहो कि कोई यहां आया है उनसे मुलाकात करने। माइलो सरदार के घर से भागा। बजाय सरदार के पास जाने के वो सीधे मोची के पास गया। जब चोर घर वापस आया तो उसने देखा कि माइलो वहाँ नहीं था। वो जान गया माइलो यकीनन अपने मालिक के पास चला गया होगा, तो वो मोची के घर गया। सुनो, क्या माइलो तुम्हारे पास आया है? हाँ, वो यही है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। उसे थोड़ा वक्त दीजिए और देखिएगा, आखिरकार वो आपको अपना मालिक कबूल कर ही लेगा। सरदार माइलो को वापस ले गया और उसने उसे अगले दिन अपने एक साथी को दे दिया। माइलो गैंग के सारे मेंबरों के साथ एक एक करके रहा, पर हर दिन वो मोची के पास वापस आ जाता। सबने ये जान लिया कि एक बार फिर उसने दगाबाजी की है। उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया। इस मर्तबा हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, मैं उस मोची को एक सबक सिखा के रहूंगा। इस बार वे मोची के घर पहुँचे। इस मर्तबा उन्होंने मोची की दलीलों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने उसे एक बोरे में डाला और वहाँ से चले गए उसे सबक सिखाने के लिए। मोची चुपचाप बोरे में लेटा रहा। रास्ते में वो एक चर्च के पास से गुजरे। चोरों में से एक ने कहा, सरदार, सचमुच बहुत गर्मी है, चलो कुछ देर चर्च में आराम करें। हम काम के लिए जरूर शाम तक इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने उसे वहाँ छोड़ दिया और सबके सब चर्च के अंदर चले गए। वो चर्च एक पहाड़ की चोटी पर था। सुअरों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने सुअरों के झुंड की आवाज सुनी तो मोची को एक तरकीब सूझी और उसने बुलंद आवाज में चीखना शुरू किया। मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो।
सुअरों के मालिक ने मोची की आवाज सुनी और वो उसकी जानिब आया। उसने मोची से पूछा, अरे ओ सुनो, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें वहाँ डाला है? वो मेरा निकाह बादशाह की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं निकाह नहीं करना चाहता। क्यों दोस्त, क्या तुम दीवाने हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन शहजादी से निकाह कर लेता। अगर ऐसा है तो आओ, तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ। तुम जाओ और शहजादी से निकाह कर लो। सचमुच? हाँ बेशक, पर सबसे पहले मुझे बाहर तो निकालो। सुअरों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया। मोची ने उसे बांध दिया और उसके सुअरों को वहाँ से लेकर चला गया। शाम को चोर चर्च से बाहर आए, बोरे को लिया और चले गए। सुनो, चलो इसे यहाँ कीचड़ में फेंक दे, ये इसे सबक सिखाएगा। चोरों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहाँ से चले गए। वापस आते हुए उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वे सकते में आ गए। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उस कीचड़ के नीचे एक तिलस्मी जगह है, वहाँ बहुत सोना था और उस सोने की ये सुअर निगहबानी किया करते थे, और उनकी मदद से ही मैं बाहर आया हूँ। अपने साथ कुछ सोना भी लेकर आया हूँ। अब तो मैं बस वहाँ सोने जा रहा था। रुको, हमें उस तिलस्मी जगह पर ले चलो। खबरदार अगर वहाँ तुमने उस सोने को हाथ भी लगाया तो। पर मैं... जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, अगर तुम जोर देते हो तो। चोरों का गिरोह मोची के साथ उस जगह पर पहुंचा। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद को बोरे में बंद करना होगा। सभी चोरों ने खुद को बोरे में बंद कर लिया। मोची ने उन सबको कीचड़ में फेंक दिया और फिर उन पर सुअर छोड़ दिए। ए, उसने फिर हमसे दगाबाजी की। ए भाई, हमें बाहर निकालो, हम आप और तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमें इस हालत में मत छोड़ो, मेहरबानी करो। चोर चीखते रहे और सुअर उन्हें चाटते रहे। ये देखकर मोची हंसा और अपने घर चला गया। उसके बाद वे अमन और सुकून से रहा अपनी बीवी के साथ।